मंगलवार को शहर के भांडेवाड़ी परिसर के लोगों द्वारा पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से न होने की वजह से घाघरगुंडी आंदोलन किया गया, जिस दौरान परिसर के नागरिकों ने घर में पानी भरने के बर्तन रास्ते पर लाए और नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। पानी हर किसी की मूलभूत जरूरत है। हर किसी के दैनिक जीवन में पानी बेहद जरूरी होता है, लेकिन भांडेवाड़ी परिसर के लोग इस मूलभूत सुविधा से ही पिछले 2 महीने से वंचित है। इस परिसर में रहने वाले लोगों को यहाँ 2 महीने से नियमित रूप से पानी नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो वो भी बेहद गंदा, जिसे पीने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, जिसके कारण यहाँ के नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे त्रस्त होकर मंगलवार को भांडेवाड़ी परिसर के लोगों ने घाघरगुंडी आंदोलन किया, जिस दौरान परिसर के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस संदर्भ में वहां के नागरिकों ने अधिक जानकारी साझा की। मी 2 महीने झाले डिमांड भरला आहे, त्यांनी म्हटलं होतं की किस्तवारी भराचे, पण आम्ही कसे करून आम्ही डिमांड भरला आणि 2 महिन्यापासून एवढंच पण पाणी नाही उंडलं आणि टँकरी बंद केल्या। टँकरी मध्ये टँकरवाले म्हणतात की तुमचा 1 तास नळ येतो, आमचा बुनबरोबर पाणी नाही येत, आणि म्हणतात इथून बंद नाही झाला महानगरपालिकेतून झाला। महानगरपालिकेत जातो तर महानगरपालिका म्हणते की टँकर चालू आहे, आणि ते लोक म्हणतात टँकरवाले की स्लिपा आणा, स्लिपा नाही, इथून तिथूनपर्यंत सातपर्यंत आम्ही काय करा, रोजचे का पैसे लावून जायचे का। 2 महिने झाले पाणी माझ्याकडे बुनबर पण नाही येत, बाकी लोकांकडे येतात 6 गुणे येतात, इतकं डाऊन पाणी राहते, नुसतं माती भरलं पाणी राहते, इतकी परेशानी आहे त्या भांडेवाडीमध्ये। ही समस्या आहे भांडेवाडी परिसरातील। भांडेवाडीमध्ये पूर्वीपासून टँकरनी पाणी पुरवठा होत होता, आता 4-6 महिन्यापूर्वी तिथे अमृत जल योजनेतून नळ लाईन आलेले आहे, व त्या नळ लाईनतून सगळ्यांनी डिमांड भरून नळ घेतलेले आहे। याच्यापूर्वी जे इथले लकडगंज झोन आहे आपला, इथले अधिकारी त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही जेव्हापर्यंत तुम्ही डिमांड भरत नाही तोपर्यंत तुमचे टँकर येणार नाही। सर्वांनी इकडून तिकडून पैसे जमा करून डिमांड भरलेलं आहे, त्याच्यानंतर नळ आले पण नळाला पाणी येत नाही आहे। नळाला पाणी येते तर गढूळ पाणी येते, कुणाकुणाच्या घरी पाणीच येत नाही, आणि टँकरही बंद आहे। ते हा प्रॉब्लेम जवळपास 2 महिन्यापासून हा प्रॉब्लेम सुरू आहे। आजूबाजूला बोरवेल आहे, त्या बोरवेलचं पाणी आणावं लागते, किंवा एखादी टँकर आली तर त्या टँकरच्या मागे सर्वांना धावावं लागतं। हे एवढे आपले वस्तीले जितके भी मेरे नेहमीचे जे कुठे लोक आहे मेरे नगर के, मेरे घर पे आए, मेरे को बोले कि भाव बोले पानी हमको मिल नहीं रहा। हमने इतने दिनों से अपना डिमांड भरे, पैसे भरे, टप्पे टप्पे से भरे, पर पानी चालू हो गया, मीटर लग गया, पर मीटर में ऐसा धार आता है जैसे कि कोई बच्चा थोड़ा सा मूत रहा हो, सब पूरा बारीक धार में साले 2 घंटे में पानी नहीं भरता। वहाँ पूरे मजदूर वर्क लोग हैं, अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे पानी भरते हैं, यह छोड़ के अपना पानी कैसे भर सकेंगे, इसलिए ये लोग यहाँ पे मोर्चा ला के खड़े किए। हाँ, गड़के ने बोला जो भी, पर यहाँ पे तो साले 1 घंटा भी नहीं मिल रहा भरवा, तो कैसे पानी भरे जाएगा। तो वैसा लगता है बस ये आश्वासन देते और बाकी कुछ नहीं। ये लोग पब्लिक को गुमराह करना चाहते, पर अगर सच्चे तरह से देखा जाए तो एरिया में घूमना चाहिए और सबकी तरफ देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तब जाके सब बातें होनी। ये ज़्यादा नहीं अभी लिखवा है, यानी लिख के ले रहे हैं, घर जा रहे जो यहाँ के सर है जो भी है अधिकारी उनसे लिख के ले रहे हैं वो क्या आश्वासन देते हैं उसके बाद है। यानी आश्वासन तो नहीं है, हमको लिख के चाहिए। अगर वो हमें मानने अगर पता लगता है कि नहीं ये हमको यानी हमारे हित में, तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर इससे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार द्वारा हर चुनाव के दौरान मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की आपूर्ति नियमित की जाएगी, ऐसे आश्वासन जनता को दिए जाते हैं, लेकिन लगता है कि वो भांडेवाड़ी परिसर के लोगों पर लागू नहीं होते, और अगर होते हैं तो प्रशासन को इस ओर जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।